नमस्कार, मैं कोमल पवार एक बार फिर हाजिर हूँ नई जानकारियों के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर जवाब दिया है। आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहाँ होगा, किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियां मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। इससे पहले बजट सत्र में विपक्ष दल ने जो हंगामा किया था और जो वो चाहते थे कि कृषि बिल वापस हो, उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में संबोधन दिया है। और मैं लगातार, हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले हैं। ये सब हमने कहा है, मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जिनका जानना आपका बेहद जरूरी है। जैसे प्रधानमंत्री ने यह आंदोलनकारियों से अपील की है कि वो जल्द से जल्द अपना ये आंदोलन वापस ले लें और बुजुर्गों से कहा कि वो जल्द से जल्द अपने घर लौट जाएं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने उन सभी लोगों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि ये सभी आंदोलन रोक कर हमें बातचीत से मामला सुलझाना चाहिए। दूसरा, जल थल नभ अंतरिक्ष, भारत अपनी सुरक्षा करने में समर्थ है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, दुनिया ने भारत की ताकत देखा है। तीसरा, गरीबी हटाना मोदी सरकार का पहला कर्तव्य रहा है। हमारी सरकार गरीबों के लिए, यानी प्रधानमंत्री की सरकार गरीबों के लिए ही समर्पित है। एक देश कभी तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो अपने देश की गरीबी ना मिटाए, ऐसा प्रधानमंत्री ने अपने देशवासियों को आश्वासन दिलाते हुए कहा है कि हम जल्द ही पटरी पर वापस लौट आएंगे। चौथा, उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी भी यही चाहते थे कि किसान अपनी फसल हर जगह बेच पाए, और वही काम हमने किया है। ये उन्होंने कृषि बिल पर जो विपक्ष ने हंगामा किया था उसी के जवाब के रूप में कहा है, जो पहले नहीं हो सका वो मोदी सरकार ने अब किया है। कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी, इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। MSP is constant, MSP will remain constant. MSP is there, MSP was there, MSP will remain. ये था पूरा संबोधन जो प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा में दिया। बने रहिए सभी जानकारियों के लिए, आने वाली नई जानकारियों के साथ। मैं कोमल पवार आपसे इजाजत चाहती हूँ। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।